नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के अकोला में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक वर्दीधारी और एक बिना वर्दीधारी पुलिस वाले सड़क पर लॉकडाउन के नियम मनवाने के मामले में एक दूसरे से भिड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को जमकर गालियां भी दे रहे थे और मारपीट भी की। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद आला अधिकारियों ने जांच करने का आदेश दे दिया है। हालांकि दोनों पक्षों के तरफ से कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम को इस घटना में एक पुलिस वाला जो अपनी दिन की ड्यूटी खत्म करके अपनी पत्नी के साथ किराना स्टोर पे खड़ा था सामान खरीदने के लिए। दुकान पे काफी लाइन लगी हुई थी, लेकिन फारूक खान उस कतार में नहीं खड़े थे। इस दौरान वहां पर कांस्टेबल चंद्रकांत बराठे पहुंचे और उन्हें लाइन में खड़े रहने को कहा गया, लेकिन इस बीच दोनों के बीच में काफी विवाद पैदा हो गया। कुछ ही देर में मामला आगे बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया और इसी बीच फारूक खान ने चंद्रकांत को जमीन पर पटक दिया और उसी का डंडा लेकर उसकी खूब पिटाई की। इसमें उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया और उसे मारा। इस पूरी घटना का वीडियो वहीं किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर काफी वायरल कर दिया है। देखिए किस तरह से ये विवाद हो रहा है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।